मैंने कबूतर से कहा तू खिड़की पे क्यों बैठा है? क्या कहता? कबूतर ने मुझसे कहा विकी सर। अरे बेटे, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है और आहश मैं इंसाफ चाहता हूँ। मुझे तो एक मिनट बाद बताओ, तो इतने लेट क्यों आए हो आप? वो मेरा मैं आप माफी मांगता हूँ, मेरा जो फ्रेंड है उसकी मदर और बहन का ना झगड़ा हो गया था, अलग अलग रह रहे थे, मैं उसकी माँ बहन एक करने गया था। हाँ तो मैं पहली बार गया घर और मैं अभिषेक जी से मिला, मैंने कहा सर मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे बोले तो मैं क्या करूँ? मैं कहा नहीं सर मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। कहते गाड़ी चलाते हो? मैं कहा हाँ जी सर। तो ये फिर ऐसे करके मुझे अंदर ले गए, कहते चल अंदर। मैं अंदर गया, इनकी गाड़ी खड़ी थी वो रोल्स रॉयस। कौन सी? तो गरीब आदमी को अमीर गाड़ी के बारे में पता ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो मैं इनकी गाड़ी के पास गया और मैंने कहा सर ये तो मैं चला लूँगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बोले अगर एक भी खरोच आई तेरा बाया हाथ ही तोड़ूंगा। हाँ मैंने कहा अरे ऐसी बात है, मैंने कहा मेरे से मत कीजिए साहब, आप मुझे इसका रिमोट ला के दीजिए, अभी चला के दिखाते। तो थोड़ा सा इनको गुस्सा चढ़ गया और उस दिन मैंने देखा कि आदमी कितना भी अमीर हो जाए गाली हमेशा गुस्से में गंदी देता है। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया, मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहता है? मेरे पास मेरा प्राइवेट जेट था। ओ है अभी भी, लेकिन वो कमोड के बगल में। वो जो मेरा जेट है ना, हाँ, उसमें प्रेशर बड़ा ज्यादा है। अच्छा। तो कभी कभी मैं उसे दबाता हूँ ना, 5 मिनट हवा में रहता हूँ। तो बात ये कि एक दिन इतना मैं हवा में रहा, मैं कहा चलो यहाँ से गोवा ही चलते हैं। करता हूँ गोवा तक ही रहना, थाईलैंड ना पहुंच जाना बस। नहीं नहीं वहां तो जाके आदमी वैसे ही। देखिए पूरी सीरीज Amazon Mini TV ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री।